नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। छपरा में डोरीगंज पुल पर अवैध वसूली को लेकर ट्रक ड्राइवरों के साथ झड़प में बड़हरा थाना पुलिस की गोली से एक खलासी की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ट्रक ड्राइवरों ने जमकर बवाल काटा। उनका आरोप था कि वसूली के लिए आए दिन पुलिस यहां ऐसे ही बर्ताव करती है। हंगामे के बाद डीआईजी सारण मनु महाराज खुद घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। हालांकि उनका कहना है कि युवक की मौत किसकी गोली से हुई है इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चल पाएगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं छपरा से। मनीष, यहां पे बताया जा रहा है कि जो गोली लगी है उसमें ड्राइवरों का और वहां जो खलासी है उनका कहना है कि ये पुलिस की गोली है, पुलिस ने उन्हें गोली मारी है, किस हद तक ये बात सच है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से ये ड्राइवर का कहना है कि पुलिस की ही गोली है, लेकिन अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस इस तरीके का कोई बातें सामने नहीं आ रही है, लगातार जांच हो रही है। अब वहां मौके पर एसपी पहुंच गए हैं और डीआईजी मन्नू महाराज भी स्पेशल जांच करवा रहे हैं, तो लगातार अभी तक कोई इस तरह का खुलासा नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक इस तरह का कोई ठोस सबूत नहीं आती है, कोई खुलासा नहीं होता है, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये गोली किसकी है। जी मनीष, बताया जा रहा है कि हंगामे के बाद डीआईजी मनु महाराज खुद वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल, डीआईजी मनु महाराज वहां पर पहुंचे थे, मामला को शांत करवाया, लेकिन लगातार उनके द्वारा भी कहा जा रही है कि मामले की जांच करवाई जा रही है, गंभीरता से जांच करवाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई कुछ खास सबूत नहीं हाथ लगी है जिसको लेके प्रशासन कुछ कर सके, या फिर लगातार वहां के जो लोग हैं वो लोग भी पुलिस से भड़के हुए हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक कोई बड़ा कुछ खुलासा नहीं हुआ है, जब तक कोई खुलासा नहीं होती है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर ये गोली किसकी है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया मनीष। तो आपको बताते चले कि डोरीगंज पुल पर अवैध वसूली को लेकर ट्रक ड्राइवरों के साथ पुलिस की झड़प हो गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस के तरफ से गोली चलाई गई जिसमें एक खलासी की मौत हो गई है। इस बात की जांच चल रही है और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि वो गोली पुलिस की थी या नहीं।